मेरा नाम शशि शर्मा है, आई एम 65 ईयर्स ओल्ड और मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। मुझे कई सालों से अल्सराइटिस कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे जल्दी जल्दी डायरिया होता था और मोशन में ब्लड आता था। इस वजह से मुझे साल में 2 या 3 बार एडमिट होना पड़ता था। पिछले 7 साल से मेरा इलाज मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर मयंक गुप्ता से के अंदर में मेरा इलाज चल रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों से मेरी स्थिति, पिछले 3 सालों से स्थिति मेरी खराब चल रही थी। बार बार एडमिट हो रही थी मैं। इस वजह से उन्होंने कुछ इस तरह की मेडिसिन, जैसे स्टीरॉयड है, जीरोन वगैरह है, ये उन्होंने मुझे लगा दी, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक कहते हैं नहीं चलनी चाहिए। बट इस दवाई को छोड़कर मेरी स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर मयंक गुप्ता ने इस दवाई को मेरे कंटिन्यू रखा, बंद नहीं किया है, जिसकी वजह से स्थिति मेरी सुधरने के बजाय और ख़राब होती चली गई। इस दवाइयों के लॉन्ग टाइम तक सेवन करने से मुझे साइड इफेक्ट होने लगे बॉडी में। मैं बिल्कुल उठ नहीं पाती थी और अपने आप को बहुत असहाय महसूस करती थी। बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन खराब हो गई थी। बार बार मैं से भागती थी, लेकिन वो मेरी स्थिति को देखने के बावजूद भी ये कहकर कि बेड नहीं है, मुझे एडमिट नहीं करते थे। फिर बेटे ने सर्च किया तो उन्होंने, मेरे बेटे ने मुझे सजेस्ट किया कि मम्मी, कनिष्क हॉस्पिटल में डॉक्टर मुकेश गुप्ता हैं और उनके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, आप मैक्स से निकलिए और आप मेरे कहे पे एक बार आप यहाँ जाइए। तो लास्ट ईयर मैं 2022 में, फरवरी 2022 में मैं यहाँ आई हूँ डॉक्टर साहब के पास में, कनिष्क हॉस्पिटल में डॉक्टर मुकेश गुप्ता के पास में। उन्होंने मेरा चेकअप किया और अर्जेंट मुझे एडमिट करने की सलाह दी और मैं उनके कहे पे एडमिट हो गई। 1 हफ्ते में उन्होंने मेरी स्थिति को काफ़ी कंट्रोल किया। उसके बाद मैं 1 साल से, अब 2023 फरवरी हो गया है, मैं 1 साल से डॉक्टर साहब के अंडर में हूँ। मेरी जितनी भी गलत दवाइयाँ थी, जो जिसके साइड इफेक्ट मेरी बॉडी में हो रहे थे, एजीरॉन है, स्टीरॉयड है, वो धीरे धीरे कम करते हुए डॉक्टर साहब ने पूरी तरह उस मेडिसिन को बंद कर दिया, जो कि वहाँ मैक्स वाले नहीं कंट्रोल कर पाए। मैक्स में जब मेरी ये मेडिसिन बंद करते थे, मेरी कंडीशन एकदम से बिगड़ जाती थी, उनको दोबारा ये मेडिसिन लगानी ही पड़ती थी। बट डॉक्टर साहब के इलाज से मैं यहाँ पे साल में 3 या 4 बार एडमिट हुई हूँ यहाँ पे, लेकिन अब मैं अपने आप को बिल्कुल बेहतर महसूस कर रही हूँ। मेरी स्टीरॉयड एजीरॉन पूरी तरह से, मई के बाद से मैंने नहीं ली है, पूरी तरह से ये मेडिसिन बंद हो गई है। धन्यवाद कहना चाहूँगी डॉक्टर साहब का, खासतौर से यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैं जब जब एडमिट हुई हूँ, मुझे किसी तरह का मतलब कोई वो नहीं रहा, पूरा स्टाफ ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। डॉक्टर साहब खुद बहुत अच्छे हैं और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी स्टाफ का और डॉक्टर साहब।